हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मैकेनिकल का एक दो दिन और एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल माइनिंग वगैरह जो भी होगा, ऑटोमोबाइल वगैरह, उसके बाद लास्ट में सिविल होने वाला है। ठीक है, चलिए हम दोस्तों हम लोग कटअप के बात कर लेते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कटअप बीच में जाना जरूरी होता है आपको, क्योंकि एज ए मोटिवेशन के तौर पे आपको जानना जरूरी होता है कि कितना जा सकता है, कितना अनुमान हो सकता है, उसी हिसाब से आपको अटैम्प्ट करना। क्वेश्चन ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं दोस्तों, यदि नेगेटिव ज़्यादा कर लीजिएगा तो आपको भी पता है और हमको भी पता है और सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन का इस बार खेल अच्छा खासा होने वाला है। इतना दिन एग्जाम जो चल रहा है, पता है इस बात को, तो पहले बता चुके हैं नॉर्मलाइजेशन का खेल होने वाला है, तो ज़्यादा नेगेटिव ना करिए तो ही अच्छा रहने वाला। रिस्क लेना है, 10-12 सवाल का रिस्क लेना है, ऐसा बात नहीं है 5-10 सवाल ले लीजिएगा पहला पेपर रिस्क, दूसरा 5-10 ले लीजिए, रिस्क लेना है ये 15-20 सवाल दोनों मिला के लेना है, कोई दिक्कत नहीं, सब हर को लेता है, उससे ज़्यादा मत लीजिए। उससे ज़्यादा लीजिएगा तो शायद आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर शायद कम देखने को मिलेगा, जब नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सबका। ठीक है, तो हम लोग कटअप की बात करेंगे और वो ये रॉ मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, ये रॉ मार्क्स के बारे में बात करें, नॉर्मलाइजेशन कम नहीं बात कर रहे हैं, ये रॉ मार्क्स अब इसके बीच में देखिएगा रिजल्ट जिस दिन आएगा दोस्तों, तो हम आपको दिखा भी देंगे कि इसका कटअप इध हाँ 1-2% आगे पीछे जा सकता है, हमने कह सकते हैं, लेकिन जितना बता रहे दोस्तों उसी के आसपास आपको नंबर देखने को मिलने वाला, इसी के आसपास आपको देखने को वाला है। आपको विश्वास नहीं होता दोस्तों, मेरा जब पहली बार चैनल स्टार्ट किए थे तो DFCCL का कटअप बना के डाले थे हम, DFCCL एग्जाम का शायद 2021 का बात है, नवंबर दिसंबर का बात है। ठीक है, एग्जाम एग्जैक्ट वही कटअप गया था दोस्तों 1%, हालांकि कम ही गया था, जितना बताया था 1% कम गया था, बहुत सारा ब्रांच था उसमें। ठीक है, 1% उसमें एक मतलब 1% भी नहीं बोलते, 4-5 नंबर मतलब कम ही गया था, मतलब वहाँ से परसेंट के बाद बता रहे हैं, तो कहने मतलब थोड़ा सा सोच समझ के बनाए, सीटें वगैरह देख ली उसके बाद कटअप बनाए, ऐसा नहीं है, तो आप लोग एज ए मोटिवेशन के तौर पे से ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, सिंपल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए और उसी हिसाब से आपको आगे का गियर रणनीति बनाना है आपको। ठीक है, समझ रहे कहने मतलब, तो इसको नेगेटिव में ना लें। ठीक है, कि हो सके बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं कि अभी कम एग्जाम तो हुआ ही नहीं, कटअप कहाँ से आ गया, हो जाता है। ठीक है, वो होते हैं कुछ कुछ लोग, कमेंट करना उसका आदत होता है, तो उसके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, देखने उन लोगों को देखने दीजिए, कोई दिक्कत है, बस जो जेन्युइन कैंडिडेट जो पढ़ने लिखने वाला उसके लिए वीडियो बता रहे हैं ताकि उसी हिसाब से अपना काम कर सके। ठीक है, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जैसे वाला जुड़ जाइएगा। अभी जितने भी एग्जाम बचा उसके लिए कोशिश पूरा की जा रहा है कि झारखंड जी के हो, मैथ का, रीजनिंग का हो और सेंट्रल जी जो भी हो, अच्छा अच्छा देने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, आपको देख ही रहे डेली एक वीडियो आ रहा होगा, डेली देंगे, टेंशन मतलब एग्जाम तक देंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं चलेगा। ठीक है ना, चलिए चलिए दोस्तों, तो आपके शॉर्ट में बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करें क्योंकि लंबा वीडियो करने इसको मतलब है नहीं। देखिए देखिए दोस्तों, पहली बात आप लोग जो PDF नंटेक वाला PDF में नहीं लिए होंगे जरूर ले लीजिएगा। सबसे पहली बात, PDF नंटेक वाला काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, जो नंटेक हम दिए हैं काफ़ी लोग बनाया हुआ, आप लोग रिव्यू ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं किसी पूछ सकते जाकर कि वहाँ से क्वेश्चन हो बहु ऐसे ही रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आया हुआ है, और जीके का तो वहीं से आ रहा है, करंट अफेयर 6 महीने का वहीं से आ रहा है, उसे बाहर जा ही नहीं रहा है। तो जिसके पास अभी समय है दोस्तों, अभी कम से कम जिसके पास 5-6 दिन समय है मान लीजिए, वो आराम से 2-3 दिन में PDF को पढ़ ले सकता है। ठीक है, तो जरूर लीजिएगा दोस्तों, आप 200 रुपये के लिए आप ये चीज़ मत देखिएगा। ठीक है, इस नंबर पर 8968765101 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके PDF जरूर कर लीजिएगा। जरूर पूरा जनरल इंजीनियरिंग नहीं लीजिए मत लीजिए, लेकिन नंटेक वाला जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, नंटेक जिसको सिर्फ लेना तो 149 का नंटेक वाला, ठीक है, तो जरूर ले लीजिएगा नंटेक, क्योंकि नंटेक से क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है। ये आप ही लोग के भलाई के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए खैर जो भी है, मैकेनिकल वाले के लिए दोस्तों पेपर 1 में कहाँ गया भाई, पेपर 1 80 और पेपर 2 100। ठीक है, इसको देखिए गुना करके 500, देखिए दोस्तों पहले से है, ये तो फिक्स है। ठीक है, 75% मैकेनिकल का फिक्स है, कारण है हाई जाने के लिए दोस्तों, 75% फिक्स दोस्तों कारण हाई जाने का, एक तो क्वेश्चन पेपर 2 में उतना ज़्यादा लेंदी कुछ आ नहीं रहा है, दूसरी बात है कि सीट बहुत ज़्यादा कम है, अब पता ही आपको ज़्यादा मैकेनिकल सीट है नहीं ज़्यादा। ठीक है, और क्वेश्चन उस टाइप का आ नहीं रहा है, और इसलिए पेपर 1 80 मान के चल रहे हैं, और 80 मतलब 120 में है। ठीक है, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम है दोस्तों, इससे ज़्यादा बाहर पैसे नहीं आ जाएगा। हाँ, बात हो सके इससे 72 से 75 हो सकता है, लेकिन 75 से ऊपर नहीं जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 70 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नॉर्मलाइजेशन का डिपेंड कर रहा है, परसेंट 70 भी चला जा सकता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज बात की जाए 72-75% मांग चल सकते हैं मैकेनिकल का, लेकिन कारण है दोस्तों सीटें बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, सी देखिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का आगे शायद क्वेश्चन हो सके थोड़ा बहुत घुमाना फिराना शुरू कर दे, इसलिए 70 से लेकर 75 मान के चल रहे हैं पेपर 1 में ही, 70-75 मान रहे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल में, तो इसमें भी 75 है, इसमें भी मैकेनिकल से भी और कम सीट है, इसमें मैकेनिकल से भी और कम सीट है। ठीक है, तो सीटें कितना कम है, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का दोनों का कटअप दोनों देखिए वेरी करेगा, 70 से 75 के बीच देखिए वेरी कर जाएगा, इसी के बीच में आने वाला आपका नंबर। ठीक है, अब इस बात पर जरूर आप लोग मतलब मान भी रहे होंगे कि हाँ इतने इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ना ही कम ही जाने वाला है इससे। ठीक है, और किसी को कम लग रहा जाएगा इससे कटअप, तो ये भूल जाइएगा, भूल जाए इसलिए दोस्तों क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि जिसको नहीं पता होगा सीट ज़्यादा कितना है, वही लोग बोलेगा कि इससे ज़्यादा कम ही कटअप जाएगा, और जिसको पता है कि सीट इतना है वो कभी नहीं बोलेगा इससे कम कटअप जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और सिविल वाला का तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मौका है बहुत अच्छा। ठीक है, इसमें बस पेपर 1 50, 55,
55 60 ले आइए किसी तरह करके, 55 भी ले आएगा कोई दिक्कत नहीं चलेगा उसमें, और पेपर टू में 80 85, पेपर वन में 55 60 और पेपर टू में 80 85 ले आए, उसका सिलेक्शन होने वाला, कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब अजय 720 में थे, अजय 430 आज 440 नंबर ले आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा सीट है और ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं दिए, 1 लाख कैंडिडेट एग्जाम ही दिए हैं पूरा पूरा देखा जाए तो, उसमें से कई छात्र एबसेंट भी कर जाते हैं क्योंकि जिनका तैयारी होता नहीं और जो दूर मिला तो जाता ही नहीं देने के लिए। तो ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों 80 हज़ार 90 हज़ार कैंडिडेट हमें लगता है एग्जाम दिया होगा पूरा पूरा देगा, मतलब टोटल एबसेंट भी बहुत कर जाते हैं। ठीक है ना, तो ऑन एंड एवरेज इतना मान के चलिए दोस्तों आप लोग, और उस हिसाब से अटैम्प्ट कीजिएगा जो, ताकि नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा मिले, ऐसा नहीं कि एकदम बैठे दनादन दनादन मार दिए एकदम और 15-20 नेगेटिव चला दिए, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तक होता है, किसी किसी को होता है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का खेल इतना साथ दे देता है ना, इसको क्या ही बताएं, मतलब इसको जब चांसेस एकदम नहीं आता लेकिन नॉर्मलाइजेशन उसको उठा वहाँ पहुँचा देता है जो सिलेक्शन की और बढ़ा देता है उसको, इसलिए बार बार जोर दे रहा आपको कि 10 क्वेश्चन रिस्क ले, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, पूरा पूरी बना लीजिए, क्योंकि देखिए पेपर वन में सबको पता है जनरल इंजीनियरिंग में हर कोई बना पाता है, 50-55 बन जा रहा वही काफ़ी है। ठीक है, 50-55 ही काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसलिए 80 इसमें लिए दोस्तों, क्योंकि मैकेनिकल सिविल का ज़्यादा सवाल आता है, 30 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो 30 उधर हो गया और 10-15 इधर मान लीजिए, 45 हो गया और 5-10 तो इलेक्ट्रिकल मान लीजिए, 50 तो इधर हो गया और 30 उधर नंटेक वाला मान लीजिए, हालांकि नंटेक तो सबका बढ़िया जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए 75-80 बहुत अच्छा ये है। ठीक है ना, चलिए चलिए 30% को मान के चलिएगा, 60% और 70-75 के बीच में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल का 60% 62% सफिशियंट है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है ना, चलिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF नहीं लेंगे जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, छोटा वीडियो है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जितना वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, जिसका एग्जाम अभी बच रहा है और जो जो वीडियो डाल रहे हैं वो जरूर देख के जाइएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे झारखंड जीके हो, जितना भी डाल रहे हैं यूट्यूब में, झारखंड जीके हो, सेंट्रल जीके हो, चाहे कंप्यूटर का क्यों ना हो, चाहे रीजनिंग मैथ क्यों ना हो, उस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।